ये देखें, देखते के साथ ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी सोया चाप। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत कम चीज़ों के साथ ही आप घर पर किस तरीके से बढ़िया सी अफगानी सोया चाप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है सोया चाप, ये आधा किलो है। यहाँ पर मैंने व्हाइट सोया चाप का इस्तेमाल किया है। मार्केट में दो तरह की अवेलेबल होती है, एक पर कलर चढ़ा होता है, कुछ ऑरेंज कलर होता है उसका, और ये व्हाइट वाली है। इसको मैंने एक बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लिया है ताकि इसमें कोई गंदगी हो तो हट जाए। अब हमने एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि हमें हमारी सोया चाप को बॉईल करना है। अब इस पानी के अंदर हम डाल देंगे अंदाजन एक चम्मच के करीब नमक, और अब इस पानी में हम डाल देंगे हमारी सोया चाप। अगर आप फ्रीज्ड वाली सोया चाप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बनाने से पहले आप उसको 1 से 2 घंटे के लिए बाहर रख लीजिए ताकि उसके अंदर जो बर्फ है वो पहले ही मेल्ट हो जाए। अब इस सोया चाप को डालने के बाद एक बार जब तक अच्छे से बॉयल आ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें, हमारी सोया चाप के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज पर हम अपनी सोया चाप को बाहर निकाल लेंगे, सावधानी के साथ निकालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, और एक स्ट्रेनर पर हम इस तरीके से रखते जाएंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो अलग हो जाए। सोया चाप को हम इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी तैयारी करना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले पेस्ट रेडी करेंगे यानी मैरिनेशन, जो हमें हमारी अफगानी सोया चाप के लिए चाहिए। इसके लिए एक ब्लेंडर जार के अंदर हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जाएगा यहाँ पर 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ही यहाँ पर फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। वैसे यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच यहाँ पर जाएगी काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद मिर्चें यानी दखनी मिर्च जो होती है। अगर ना हो तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर बटर, और इन्हीं सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ब्लेंडर जार में हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये देखें, हमारी सोया चाप भी इसी बीच ठंडी हो चुकी है। अब हम हल्का सा इनको हाथों के बीच में प्रेस कर इसका अगर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसके अंदर वो निकाल देंगे। वैसे तो अच्छे से इसका पानी निकल चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको दबा लेंगे। इसी तरीके से सभी सोया चाप का पानी निकाल लेते हैं। चलिए अब इन सोया चाप के अंदर से हम स्टिक्स को अलग कर लेंगे। ये 2 पीसेस तो अलग है ही हमारे। अब ये देखिए, इसके अंदर इस तरीके से एक स्टिक लगी होती है, इसको हमें अलग करना है। हम एक हाथ से इस तरीके से पकड़ लेंगे सोया चाप और हल्का सा दूसरे हाथ से खींचते हुए स्टिक को निकाल देंगे। थोड़ा सावधानी से करेंगे ताकि जो हमारी सोया चाप है वो खुल ना जाए। ये देखें, एक बार फिर देखें, ये इस तरीके से बहुत आराम से निकल जाती है। सभी की हम स्टिक्स को निकाल लेते हैं। अब चलिए, सभी सोया चाप्स को हमने पीसेस में कट करना है। हम लगभग 1 इंच के करीब के टुकड़े काटेंगे। इससे पतले टुकड़े भी मत काटिएगा क्योंकि अभी हमें इन्हें स्टिक पर डालकर इसको एक तरीके से स्मोक भी देना है यानी भूनना है। और दूसरी बात यह है, अगर आप इससे मोटे टुकड़े कर लेंगे तो जब हम इसका मैरिनेशन करेंगे तो फ्लेवर अंदर तक जा नहीं पाएगा सोया चाप के, इसलिए अंदाजन आप इतने बड़े टुकड़े ही रखिएगा, ये आइडली परफेक्ट रहता है। चलिए, अब हमने एक पैन में फ्लेम के ऊपर तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और जब ये हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम एक एक करके सभी जो हमारी सोया की पीसीज हैं उसको इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जितने भी सोया के पीसीज अच्छे से आ जाए हम उनको इसमें रख देते हैं। चलिए, अब हम अपनी सोया चाप को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखें, एक साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इसी तरीके का हल्का गोल्डन कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको हम डार्क नहीं करेंगे।
अब इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करके तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमारे सोया के पीसेस दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कलर ले चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर है। ये देखें, बस अब हम इन पीसेस को एक अलग से किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो किचन टॉवल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब हमने एक बॉल लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे, हमने जो शुरू में मैरिनेशन के लिए पेस्ट रेडी किया था ना, दही, क्रीम और मक्खन को मिला के, और अब इसी मैरिनेशन पेस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड सोया चाप के टुकड़े। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्क्वायर पीसेस प्याज के। इसी के साथ अब हम ऐड कर देंगे कुछ शिमला मिर्च के टुकड़े, इसको भी स्क्वायर शेप में काट लिया गया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मैरिनेशन पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मैरिनेशन पेस्ट है वो हर चीज़ के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब देखिए, सब चीज़ें अच्छे से कोट हो गई हैं। आखिर में हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला ताकि जो फ्लेवरिंग है और अच्छे से निकल कर आए। वापस से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाला भी हर एक चीज़ के ऊपर लग जाए। ये देखें, बहुत बढ़िया से हमारी सभी चीज़ें कोट हो गई हैं। अब हम इसको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा जो सारा फ्लेवर है चीज़ों का वो सोया के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। 1 घंटे का समय हो गया है, हमने सोया चाप को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हम बाकी तैयारी करना शुरू करेंगे। अब हमने एक अलग बर्तन के अंदर निकाला है लगभग 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम और अब इस क्रीम के साथ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। ये देखें, अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच के करीब नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, या आप स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। साथ ही डालेंगे हम 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और इन सभी चीज़ों को एक विस्कर की हेल्प से हम अच्छे से विस्क करके पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार में भी रेडी कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपनी सब्जियों को और सोया चाप को इस तरीके से आयरन की स्टिक पर अरेंज कर लेंगे। ये तंदूर के साथ, जो इलेक्ट्रिक तंदूर आते हैं उसके साथ स्टिक्स मिलती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो। अगर ना हो तो मार्केट में वुड स्टिक्स मिलती हैं रोस्टिंग के लिए ही, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप वुड की स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 1/2 घंटे के लिए पहले भिगो के रखिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जब आप फ्लेम पर ये टिक्का सेकेंगे तो वो जले ना स्टिक्स हमारी। अब ये देखिए, हमने शिमला मिर्च, फिर सोया चाप लगाई, फिर प्याज लगाई, फिर सोया चाप, और इसी तरीके से हम पूरी स्टिक को कवर कर देंगे। आप इसी तरीके से रैंडमली सभी चीज़ों को अरेंज कर लीजिएगा। चलिए, हमने सभी चीज़ों को दोनों स्टिक्स पे अरेंज कर लिया है और अब हम इसको रोस्ट करने की तैयारी शुरू करते हैं। हमने फ्लेम ऑन करी है, इसको हमें स्लो मीडियम पर रखना है और इस तरीके से स्टिक जो हमने तैयार करी थी उसको रखेंगे। हमें फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं टच करनी है इसको, लगभग फ्लेम और स्टिक के बीच में 1 इंच का गैप ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो सब्जियां और सोया चाप है वो जल जाएगी। अब थोड़ी देर लगेगी, हम हल्का हल्का सा घुमाते हुए इस तरीके से सभी सब्जियों को और सोया चाप को रोस्ट करके तैयार करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा, जैसे तंदूर में आता है ना कालापन आ जाता है, हल्का हल्का सा उस तरीके का नहीं आ जाता। ये देखें, हमारी सब्जियां और सोया चाप हल्की हल्की सी रोस्ट होनी शुरू हो गई है, बहुत ही बढ़िया ये देखें नज़र आ रही है। ये हम सारी सोया चाप और सब्जियों को इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये अफ़गानी तंदूरी सोया चाप घर पर तैयार करी है। ये देखें, बहुत ही बढ़िया तंदूरी फ्लेवर आएगा इसमें। हम सभी चीज़ों को इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, हमारी एक स्टिक बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से दूसरी जो हमारी स्टिक तैयार हुई है उसको भी रोस्ट कर लेंगे। अब हमने एक बॉल लिया है और इसके अंदर जो हमारी रोस्टेड सोया चाप तैयार हुई है उसको निकाल लेंगे स्टिक में से। ये देखें, इस तरीके से सावधानी के साथ करेंगे क्योंकि स्टिक भी गर्म होगी और सोया चाप भी गर्म होगी।
अब इन चाप के ऊपर और सब्जियों के ऊपर हम ऐड कर देंगे हमने जो क्रीम दही कसूरी मेथी को मिलाकर एक पेस्ट रेडी किया था ना, उसे डाल दिया है ये देखें। और बस अब इसमें जाएगा लगभग 50 ग्राम मेल्टेड बटर, ये देखें बिल्कुल बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। आप बटर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन देखिए इतना तो बनता ही है। जब खा रहे हैं हम अफगानी सोया चाप और बिना बटर के हो तो जूसी नहीं लगेगी, तो ज़रूर डालिएगा, बाकी आपकी देखिए मर्जी है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और हमारी सोया चाप बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ तैयार है हमारी गर्मा गर्म तंदूरी अफगानी सोया चाप, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार घर में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना, आप भूल ही नहीं पाएंगे इसके फ्लेवर को और बार बार बनाकर खाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।